सुप्रभात बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंडित हिंदी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया रास्ता का लेसन नंबर 12। इसके पहले मैंने लेसन नंबर 11 तक ऑलरेडी सारा कुछ करा दिया है। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर से स्टार्टिंग से सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, उसे आप देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं लेसन नंबर 12। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स इस तरह से सेम नहीं पूछे जाते हैं। ये आपके बस बेसिक नॉलेज के लिए, जिससे आप आंसर आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग लेसन नंबर 12 देखते हैं। लेसन नंबर 12 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े घर की लड़की कौन है। तो बड़े घर की लड़की धनी मल जी की लड़की सरिता है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा है कि इसमें स्टोरी में मीनू और अमित तो है ही, लेकिन एक अलग से एक लड़की का नाम थोड़े देर के लिए आता है स्टोरी में, जिसका नाम है सरिता। और ये सरिता है कौन? ये मेरठ के धनी मल जी हैं, जो कि वहां के सबसे रिच पर्सन हैं, या फिर कह सकते हैं कि बहुत धनी व्यक्ति हैं, इसलिए उनका नाम भी है धनी मल। ठीक है, तो धनी मल जी की ये लड़की है, ये सरिता इसका नाम है। तो बड़े घर की लड़की का मतलब क्या है कि बड़े फैमिली की लड़की है कौन? वो है सरिता, जिससे अमित की शादी लगती है। ठीक है, लेकिन कुछ कारणवश से वो नहीं हो पाती है, वो भी हम लोग स्टोरी में आगे देखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है कि अमित के इस शादी पर क्या विचार थे। तो इस शादी मतलब कि सरिता से शादी करने के लिए क्या वो रेडी था या नहीं रहा था, अमित की क्या विचार है। अमित इस शादी से सहमत नहीं था और अपने विचार प्रकट नहीं कर पा रहा था। तो वो शादी करना नहीं चाहता था सरिता से, लेकिन वो बता भी नहीं पा रहा था अपने पेरेंट्स को। वो नहीं बता रहा था कि मुझे सरिता से शादी करना नहीं है। ठीक है, उसने सब कुछ अपने माता पिता पर छोड़ दिया था। तो उसने सोचा कि मेरे पेरेंट्स जो भी डिसाइड करेंगे उन्हीं को डिसाइड मैं करने देता हूँ, इसलिए मुझे कुछ रोक टोक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमित को सरिता पसंद नहीं थी, वो शादी नहीं करना चाहता था, ये आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़ेंगे, अमित को शादी में कितने पैसे मिलने थे। तो ये जो धनी मल जी है, धनी व्यक्ति थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी शादी, अपनी बेटी की शादी करने के लिए वो पैसे देने के लिए थे रेडी। ठीक है, तो वो पैसे कितने मिलने वाले थे। अमित की शादी में 5 लाख रुपए मिलने थे, जिससे जिसमें से 3 लाख का फ्लैट देना था। तो वो चाहते थे धनी मल जी की 5 लाख तो वो पूरा पैसा यूज करेंगे शादी के लिए, जिसमें से 3 लाख का वो क्या करने वाले हैं, एक फ्लैट लेंगे जो अपनी इस बेटी को दे देंगे। ठीक है, मायाराम जी किस बात पर उत्तेजित हो गए। तो ये मायाराम जी कौन है, ये अमित के फादर है, पिता है, वो क्यों उत्तेजित हो गए। उत्तेजित मतलब एक्साइटेड या एंग्री। तो मायाराम जी ने जब सुना कि अमित को एक फ्लैट दिया जा रहा है अलग गृहस्थी बसाने के लिए, तब वह उत्तेजित हो गए। तो जब मायाराम जी यानी अमित के फादर को पता चलता है कि ये जो धनी मल जी हैं वो अपनी बेटी के लिए एक फ्लैट देने वाले हैं जो 3 लाख का होगा, अलग फ्लैट देने का मतलब ही है कि उनकी बेटी जो है वो अलग रहेगी अपने हस्बैंड यानी पति के साथ, जो है अमित, होने वाला है अमित। ठीक है, तो ये सब सुनकर मायाराम जी बहुत उत्तेजित हो गए, बहुत एक्साइटेड हो गए, गुस्से में आ गए। फ्लैट की बात सुनकर अमित की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो अभी तो आपने देखा कि फ्लैट की बात जब हुई तो मायाराम जी किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, वो बहुत गुस्से में हो जाते हैं। तो उसी तरह से अमित की क्या प्रतिक्रिया होती है। फ्लैट की बात सुनकर अमित गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर ये होगा कि अमित जो है वो बहुत गुस्सा हो जाता है। और लेसन नंबर
वेल में इतना ही था मेन क्वेश्चंस। इसी क्वेश्चंस में से कहीं से भी पूछ लिए जा सकते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद। अगर आगे के लेसन्स आपको पढ़ने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो गो थ्रू द लास्ट और द प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ नया। ठीक है, थैंक यू।